बाबू 7 दिन में क्या इंस्पेक्शन या एग्जामिनेशन क्या था उसका 2 वीडियो भेजे थे, वैसे 30 डेज में हम क्या इंस्पेक्शन क्या एग्जामिनेशन या नोटिस देते हैं 30 दिन में कम से कम एक बार, वंस इन एवरी 30 डेज, वो वाले 2 वीडियो हम आपको भेजेंगे। ये उसका पहला पार्ट है, ठीक है। तो हम चालू करते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, समझिएगा, आपको एकदम बहुत काम आएगा, हर एग्जाम में काम आएगा आपको। सबसे पहले हम चालू करते हैं रेगुलेशन 133(6) से, ठीक है। ये 133(6) में क्या है, जो लोग विनिंग एंड वर्किंग फर्स्ट क्लास में बैठते हैं उनको इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि रेट ऑफ इमिशन ऑफ इंफ्लोगेशन क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल रेस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन आता है कि 1 टन कोयला का उत्पादन करना है तो कितना क्यूबिक मीटर गैस निकल रहा है। इसको बोलते हैं रेट ऑफ इमिशन ऑफ इंफ्लुएंस गैस इन क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल रेस्ड। इसी को एग्जामिन करना है वंस इन एवरी 30 डेज। कौन करेगा? ओनर एजेंट आर मैनेजर। तो 133(6) क्या बोलता है, द ओनर एजेंट आर मैनेजर सेल एग्जामिन वंस इन एवरी 30 डेज द रेट ऑफ इमिशन ऑफ इंफ्लुएंस गैस इन क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड और रेस्ड, ठीक है। प्रोड्यूस्ड कोई रेस्ड बोलते, ठीक है। 136(7) इसका पहले हिस्ट्री समझ लीजिए, तब इसको हम बताते हैं। 136(7) अंडरग्राउंड प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर क्या है बेटा, बीसीसीएल ईसीएल जैसे जो कुछ सेंसिटिव क्षेत्र है यहाँ पे अंडरग्राउंड में भी कुछ असामाजिक तत्व तो घुस जाते हैं, घुसते हैं जनरली अनयूज वर्किंग में, जो बंद है जिसमें अभी काम नहीं हो रहा वैसे एरिया में, लेकिन घुसेंगे तभी जब वो कनेक्टेड है सरफेस से। यदि सील कर दिया तो कोई बात नहीं, कहानी खत्म हो गई। यदि सरफेस से वो अनयूज वर्किंग कनेक्टेड है तो वैसे जगह में घुस के ये लोग कुछ चोरी भी करते हैं और दारू बनाने का काम करते, अवैध रूप से इलिसिट डिस्टिलेशन ऑफ लिक्वर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, अवैध रूप से दारू बनाने का भी काम करते हैं अंडरग्राउंड में जाके। तो दारू बनाएंगे तो उसके लिए आग जलाना होगा और आग जलाएंगे गैसी माइन है तो क्या होगा, एक्सप्लोजन हो सकता है, आग भी लग सकता है, कोल माइन से तो आग भी लग सकता है और गैस से तो एक्सप्लोजन भी हो सकता है, तो बहुत बड़ा खतरा है। तो इस खतरा को दूर करने के लिए सीएमआर 136 का सब रेगुलेशन 7 क्या बोलता है, क्या बोलता है, ऑल अनयूज्ड वर्किंग्स को सब वर्किंग बोल रहा बेटा, ऑल अनयूज्ड वर्किंग्स, ऑल अनयूज्ड वर्किंग्स कनेक्टेड टू द सरफेस थ्रू वॉकेबल एंट्रेंसेस विच इज नॉट परमानेंटली क्लोज शैल बी इंस्पेक्टेड और एग्जामिन्ड बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन वंस इन एवरी 30 डेज टू नो द स्टेटस ऑफ डिस्टिलेशन ऑफ लिक्वर, इलिसिट डिस्टिलेशन ऑफ लिक्वर, ठीक है। रेगुलेशन 136(12)(b) इसमें 30 डेज है और 12a में 7 डेज है। क्या चीज है ये प्रिकॉशन अगेंस्ट स्पॉन्टेसिटी वाला चीज है, रेगुलेशन है, उसमें क्या दिया है, क्या होता है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट का हवा है वो कहां जाएगा, रिटर्न में जाएगा। तो जो भी गैसेस एड हुआ वो सब रिटर्न में ना मिलेगा, गोफ है। और यदि आपने उसको परमानेंटली सील नहीं किया, सील का 2 तरीका होता है, आइसोलेशन स्टफिंग बना दीजिए या स्टोविंग कर दीजिए, ठीक है। तो गोफ को सील नहीं किया, मतलब अंडर केविंग मेथड अंडर एक्सट्रक्शन है तो आप तो जब तक पूरा पैनल गोड आउट नहीं कर लीजिएगा, डिप्लॉट नहीं कर लीजिएगा, सील नहीं करेंगे, तो प्रत्येक गोब के जो हवा उसके रिटर्न हवा, कौन सी हवा, एयर इन द रिटर्न एयर में उसकी जो हवा है रिटर्न हवा, और प्रत्येक डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का रिटर्न का हवा में हम सीओ की जांच करते हैं हर 7 दिन में एक बार। वो लिखा है रेगुलेशन 137 सब रेगुलेशन 12 क्लॉज ए में, कितने दिन में करते हैं सीओ की जांच, हर 7 दिन में एक बार। लेकिन 12b में क्या बोलता है, ये हवा की जांच मतलब एयर एनालिसिस करने के लिए बोल रहा है, ये कंप्लीटली एनालिसिस करने के लिए बोलता है, क्या बोलता है, कंप्लीटली एनालिसिस करने के लिए बोलता है, क्या बोलता है, द एयर इन द रिटर्न, द एयर इन द रिटर्न एयर वे ऑफ एवरी वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट आर डिक्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट, वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट नंबर के डिक्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट एंड ऑफ एवरी गोप विच हैज नॉट बीन आइसोलेटेड शैल बी कंप्लीटली एनालाइज वंस इन एवरी 30 डेज विद अ व्यू टू नो द ग्राम्स रेशो। और ग्राम्स रेशो को क्या बोलते हैं बेटा, ग्राम्स रेशो को और क्या बोलते हैं, ग्राम्स
रेशो, ग्राम से रेशो को बोलते हैं CO फॉर्म टू ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड। इस CO कब पैदा होता है? CO पैदा होता है जब स्पॉन्टेनिटी हुआ है तभी CO पैदा हुआ। तो CO पैदा हुआ, स्पॉन्टेनिटी इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है तो ऑक्सीडेशन खर्चा ना हुआ, यहां क्या हो गया, डिफिशियंसी हुआ ऑक्सीजन का, एब्जॉर्ब हुआ, खींच लिया उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, ऑक्सीजन खर्चा हो गया। तो उस ऑक्सीजन खर्चा होने के बाद एक कोयला और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, CO बनाया, ठीक है। H2 बार में CO प्लस CO2 रहता है और स्पॉन्टेनिटी है तो सिर्फ क्या रहेगा, CO रहेगा। तो ये जो ग्राम्स रेशो है CO बाय CO फॉर्म टू ऑक्सीजन एब्जॉर्ब रेशो, दिस इज नोन एज ग्राम्स रेशो। इस ग्राम्स रेशो को जानने के लिए गोप, प्रत्येक गोप की रिटर्न हवा का और प्रत्येक डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की रिटर्न हवा का कंप्लीटली एनालिसिस करना है 30 दिन में एक बार और हर 7 दिन में एक बार CO की जांच करना है। जो 7 दिन वाला 12A है और ये 30 दिन में एक बार ग्राम रेशो पता करना है, कंप्लीटली एयर एनालिसिस करना है, किसका, प्रत्येक डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न हवा का और प्रत्येक गोप जो कि सील नहीं किया गया उसके रिटर्न हवा का 30 दिन में एक बार इस ग्राम रेशो को पता करना है। और आप ग्राम रेशो के बारे में जानते हैं कि यदि यह ग्राम रेशो चार सर था बेटा 0.1 to 0.5% यदि आता है, ये रेशो इसको इंटू 100 कर देना काय में निकल जाएगा परसेंटेज में, 0.1 to 0.5% यदि आता है ग्राम रेशो, दिस इज नॉर्मल टू द कोलसिम। हम सिर्फ नॉर्मल वाली के नॉर्मल नहीं, नॉर्मल टू द कोलसिम, कोलसिम के लिए यदि ये इस रेंज में 0.1 से 0.5 के बीच में आपका ग्राम रेशो आता है तो दैट इज अ नॉर्मल, मतलब ठीक ठाक है, कोई बात नहीं। बट दिस रेशो इज 1%, दिस रेशो इज 2%, दिस रेशो 1, 2, 3, 4, 3% और मोर, ये शब्द इसको भी याद रखना है, कभी आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। 1% है, इट इंडिकेट्स, ये बताता है, क्या बताता है, एग्जिस्टेंस ऑफ स्पॉन्टेनियसिटी, क्या बता रहे, इट इंडिकेट्स एग्जिस्टेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग, ऐसा चल गया मतलब स्पॉन्टेनियस हीटिंग, मतलब स्पॉन्टेनिटी का अस्तित्व में आ गया, मतलब स्पॉन्टेनिटी होना चालू हो गया, ये कह रहे बोले एग्जिस्टेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस। 2% है तो हीटिंग इन, इट इंडिकेट्स हीटिंग इन एडवांटेज एडवांस स्टेज, व्हाट इज हीटिंग, हीटिंग मतलब स्पॉन्टेनियस हीटिंग, स्पॉन्टेनियस कम्बशन, वर्ड को समझा करो, हीटिंग बोल दिया मतलब हीटिंग है गर्म होने से ही है, लेकिन वो स्पॉन्टेनियस हीटिंग बोल रहे हैं, हीटिंग बोला मतलब स्पॉन्टेनियस हीटिंग, स्पॉन्टेनियस कम्बशन, हीटिंग हीटिंग इज इन एडवांस्ड स्टेज, एडवांस्ड स्टेज मतलब बहुत आगे बढ़ चुका है, ठीक है। 3% या मोर यदि ग्राम रेशो आता है तो इट इंडिकेट्स एक्टिव फायर, ये किसको बताता है बेटा, एक्टिव फायर को बताता है। तो 30 दिन वाला बता रहे तो 30 दिन वाला नहीं बताएंगे, उसके आगे पीछे का भी बताना होगा, सो दैट यू कैन बिल्ड अप योर नॉलेज एंड योर नॉलेज मस्ट बी नेक्स्ट लेवल। आई एम ट्राइंग टू दिस, हां बाबू, रेगुलेशन 139 का सब रेगुलेशन 6, फायर फाइटिंग अरेंजमेंट होता है माइंस, चाहे ओपन कास्ट माइन हो चाहे अंडरग्राउंड माइन हो, फायर फाइटिंग अरेंजमेंट है तो वो फायर फाइटिंग अरेंजमेंट ठीक ठाक है नहीं है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर को रिफिल करना है क्या नहीं करना है, सेंट खराब तो नहीं हो गया और हमको एक फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए क्या, ये सारा जो अरेंजमेंट है इसको जांच करने के लिए एक कॉम्पिटेंट पर्सन होता है, अंडरग्राउंड में वर्मेन रहेगा, ओपन कास्ट में एटलीस्ट सरदार को मानता है, रेगुलेशन 247 को देखेगा, उसका सब रेगुलेशन 1 भी देखेगा, सब रेगुलेशन 3 भी देखेगा, जब ना बुझाएगा 247 का, जिसमें मैं पार्ट 6 मेरा CIL रिक्रूटमेंट का प्लेलिस्ट 61 पार्ट 61, 62, 63 है शायद, जिसमें यही सब चीज बताया, 247 को ही समझाया है, ठीक है, तीन पार्ट में। तो आप 1, 2, 3 तीन सब रेशो, वो तीनों को देखेगा तब ना समझ आएगा 247। तो 139(6) में क्या बोलता है कि ए कॉम्पिटेंट पर्सन सेल वंस इन एवरी मंथ मतलब 30 दिन, मंथ मतलब क्या हुआ मोटा मोटी 30 दिन, वीक मतलब सप्ताह में 7 दिन, ये नहीं बोलता है। तो हर महीना जो है जितने भी फायर फाइटिंग मटेरियल्स है, अरेंजमेंट्स है, इक्विपमेंट है, उनकी जांच करेगा एक कॉम्पिटेंट
पर्सन, यही लिखा 139(6) में। किसके बेटा? आग बुझाने वाले जितने उपकरण है, संसाधन है, मटेरियल है, अरेंजमेंट्स है, उनकी जांच 30 दिन में एक बार, मतलब महीना में एक बार एक कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा, ये लिखा है रेगुलेशन 139 सब रेगुलेशन 6 में। नेक्स्ट रेगुलेशन 143 का सब रेगुलेशन 3 सीएमआर प्लेलिस्ट में 143, 144, 145 सब सब ऐसा सीरियली बहुत सारा हम रेगुलेशन समझा वहां भी देखेगा। 143 के सब रेगुलेशन 3 में क्या बोलता है? डस्ट सर्वे शैल बी कैरिड आउट वंस इन एवरी मंथ। डस्ट सर्वे जो है महीना में एक बार करना, मेरे टाइम वाला मत पढ़ लेना बेटा, उसके लिए हमारे टाइम पे अलग अलग क्लॉज था डस्ट सर्वे का, उसको भूल जाना, कोई पुराना पुस्तक से पढ़ो। अब सीधा सीधा हिसाब दे दिया कि डस्ट सर्वे जो है महीना में एक बार करना है। इल्यूमिनेशन सर्वे भी कितने दिन में करना है बेटा? 30 दिन में एक बार करना है, महीना में एक बार करना है। ठीक, रेगुलेशन 148 का सब रेगुलेशन 2 ये भी चेंज हो गया, मेरे टाइम पे 14 दिन था, अब 30 दिन हो गया है। मेरे टाइम पे क्या था? नॉट लेस देन 14 डेज, अब क्या हो गया? नॉट लेस देन 30 डेज। एक वीडियो में हम गलती से मुंह से निकल गया था 14 दिन, तो हम पिन कमेंट किए हैं कि बेटा इसको 14 नहीं 30 दिन बोल समझना करके। ठीक है, साल भर पहले का बात है। रेगुलेशन 148(2) रिकवरी एंड एक्सप्लोरेटरी वर्क करके रेगुलेशन का नाम है, उसमें क्या बोलता है? कई बार हम कहते हैं आग लग गया, स्पॉन्सिटिव हो गया, तो हम क्या करते पूरे माइंड को या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को, कभी कभी क्या होता बहुत तेज फैल गया पूरा माइंड बंद करना पड़ता है, और यदि डिस्ट्रिक्ट में है और उसको हम कंट्रोल कर लिए इमीडिएटली तो डिस्ट्रिक्ट को सील कर देते। तो यदि किसी माइंड को आग के कारण या स्पॉन्डिसिटिंग के कारण हमने क्या किया था? सील कर दिया था। अब रेगुलर साहब पढ़ेगा तो लिखा होगा माइनर पार्ट देर अपर पार्ट देर आप, मतलब डिस्ट्रिक्ट ना रे बेटा, समझ आए? यानी मतलब डिस्ट्रिक्ट तो पढ़ा नहीं लिखा था सर, आप डिस्ट्रिक्ट बोले जा रहे थे। क्या लिखा होगा रेगुलेशन में? वेन रीओपनिंग ऑफ एनी माइंड आर पार्ट देर, पार्ट देर मतलब डिस्ट्रिक्ट, फॉर रीओपनिंग ऑफ माइंड आर डिस्ट्रिक्ट ओनर एजेंट आर मैनेजर सेल गिव नोटिस नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर। कितने दिन पहले देना है? 30 दिन, कम से कम 30 दिन पहले, नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ रीओपनिंग वर्क। वहां वर्क पर लिखा हुआ मतलब रीओपनिंग काम के। किसको किसको देंगे? किसको किसको देंगे? सीआईएम को देंगे और आरआईएम को देंगे। आरआईएम को देना ही देना है बेटा, सीआईएम को भी देना, आरआईएम को देना। ये रीजनल इंस्पेक्टर माइज होता है, आपके रीजन का हेड होता है, तो एक छोड़ करके तो आप कोई काम नहीं ना कर सकते। आरआईएम को देंगे, सीआईएम को देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। हाँ बेटा, 148 बता रहे थे ना, 148 का सब रेगुलेशन 2 बता रहे थे, उसका सब रेगुलेशन 3 के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। वो 30 दिन 14 दिन 7 दिन वाले से कोई लेना नहीं उसका, लेकिन सुन लीजिए 148 का सब रेगुलेशन 3 क्या बोलता है कि जब भी कोई एक्सप्लोरेटरी वर्क करना है या रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क करना है तो रेस्क्यू कवर में किया जाएगा, मतलब रेस्क्यू टीम करेगा या रेस्क्यू टीम के अधीन रहकर क्या काम करना होगा। एक दूसरा बोलता है कि ऐसा एक रेस्क्यू और एक्सप्लोरेटरी वर्क के लिए जो आदमी जाएंगे उसमें कम से कम कितने आदमी चाहिए बोलते हैं, कम से कम नॉट लेस देन 3 पर्सन का टीम होगा या पार्टी होगा। लेकिन आपको हम बताए थे माइंस रेस्क्यू रूल 1985 का रूल 32 बताए थे, रेस्क्यू टीम एंड देयर मेंबर करके ऐसा बताए थे। उसमें क्या बताए थे कि रेस्क्यू टीम में कम से कम 5 मेंबर्स होंगे और ज्यादा से ज्यादा 6 होंगे इंक्लूडिंग लीडर, ऐसा बताए थे। तो वही वाला चीज है, आप रेगुलेशन ने आपको, और मान लो कभी इमरजेंसी हो गया ऐसा तो आपको रेगुलेशन ने थोड़ा सा छूट दिया, उस रूल 32 जो माइंस रेस्क्यू रूल 1985 का रूल 32 है उसमें थोड़ा छूट दिया कि कम से कम 3 आदमी बोलता है। तो ये 3 और 5 और 6 वाला वहां पर क्या बोलता है, रेस्क्यू टीम में मिनिमम 5 आदमी, मैक्सिमम 6 आदमी इंक्लूडिंग लीडर, मतलब लीडर पकड़ के 6 रहेगा, उससे ज्यादा रहेगा नहीं, ऐसा बताए थे। और जो 18 रेस्क्यू टीम के मेंबर रहते हैं रेस्क्यू स्टेशन, वो अलग चीज है बेटा। ठीक है, वो इमरजेंसी के लिए 3 रेस्क्यू टीम कम से कम रेस्क्यू स्टेशन में रहना चाहिए, वो प्रोविजन से वो चीजों को समझा करो। और वही रेस्क्यू टीम के मेंबर्स के बारे में रेगुलेशन 148 का सब रेगुलेशन 3 बोलता है कि कम से कम 3 से कम तो जाएगा ही नहीं जाएगा अंडरग्राउंड में, यदि कोई रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क करना है या कोई एक्सप्लोरेटरी वर्क करना है। एक्सप्लोरेटरी वर्क मतलब
कोई चीज का जांच पड़ताल करना है, जहां पे इररेस्पिरेबल एटमॉस्फेयर है वहां पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन 149 का सब रेगुलेशन 9 वर्किंग नियर वाटर बॉडीज का 54 मिनट का एक मेरा वीडियो है सीआईएल रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में, जिसमें 149 150 सीएमआर में अलग से भी है, सीएमआर प्लेलिस्ट में अलग से भी है। ठीक है, 150 का 149 150 डिफरेंट सर्कुलर्स एंड डिफरेंट रिकमेंडेशन ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, वो उस 54 मिनट के वीडियो में उसको पक्का देखिएगा, उसमें सारे इनंडेशन के आपके लेजिस्लेशन कंप्लीट होते। 149(9) ये भी बताया होगा वहां पे। ठीक है, क्या है इसमें, इसमें दो चीज है, इसमें 149 के सब रेगुलेशन 9 में दो चीज है। एक है इंस्पेक्शन के बारे में, दो एक है 14 दिन में और 30 दिन, हम 30 दिन वाले रहे जी। क्या लिखा ऊपर में देखो, मेरे मुंडी के ऊपर 30 दिन लिखा है, इसलिए झुक गया, देखो 30 दिन लिखा है। तो हम 30 दिन वाले के लिए 14 दिन वाले के लिए बात कर लेते हैं। क्या बोलता है कि जो हम प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए हैं रेगुलेशन 149 के सब रेगुलेशन 1 से लेके 6 तक के, ठीक है, क्या क्या है कि आपका जो इंक्लाइन है या कोई सॉफ्ट है या कोई भी आपका इंटरेस्ट है, माइन इंटरेस्ट है, वो आपका हाईएस्ट फ्लड लेवल से 1.5 मीटर ऊपर रहेगा। ठीक है, फ्लोट अलार्म लगाना है, वार्निंग लेवल करना है आपका, जो यदि कोई जोर है, नदी है, रिवर है, ठीक है, बहुत बरसात हो रहा तो माइन मैनेजर और सीनियर ऑफिसियल जो है माइन के चारों ओर घूम के देखे, ये सारा प्रिकॉशन है वहां। वो सारे प्रिकॉशन जो है, जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हमको लेने हैं, वो प्रोटेक्टिव मेजर्स ठीक ठाक है कि नहीं है, मतलब टू नो द एफिकेसी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्टिव मेजर्स, वेदर दे आर इन यूज आर नॉट, चाहे वो यूज में है या नहीं है, लेकिन उनकी एफिकेसी है कि नहीं है, वो प्रभावी है कि नहीं है, उनको जांचने के लिए। कहीं मेरा नदी नाला जाम तो नहीं हो गया, जाम हो जाएगा तो क्या होगा, पानी बह करके उसका वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो मैं इसमें घुस जाएगा। ठीक है, कोई कलवर जाम तो नहीं है, कोई मेरा ह्यूम पाइप तो जाम नहीं है, ये सारे जो प्रिकॉशंस है, प्रोटेक्टिव मेजर्स है, उनकी जांच बरसात के दिन में 14 दिन में कम से कम एक बार एक कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा, वो 247 के हिसाब से ओवरमैन रहेगा। ठीक है, बरसात के दिन में कितने दिन में, 14 दिन में एक बार, अभी बरसात है क्या, मौसम चल रहा है तो 14 दिन में एक बार, लेकिन साल के बचे बाकी दिनों में 30 दिन में एक बार वो सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स की जांच की जाएगी। साल के बचे बाकी दिन में, बरसात के अलावा, बरसात का सीजन कब से मानते बेटा, जून से लेकर अक्टूबर, 31 अक्टूबर तक, 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर को हमारा कोल माइंस रेगुलेशन बरसात का सीजन मानता है। तो 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच जो भी प्रोटेक्टिव मेजर्स है इनंडेशन के अगेंस्ट वाले, उनकी जांच 14 दिन में एक बार, और साल के बाकी दिन में मतलब नवंबर टू मई जो रहेगा वो 30 दिन में एक बार, ये वाला लिखा है 149 के सब रेगुलेशन 9 में। ये कॉम्पिटेंट पर्सन सेल वंस इन एवरी 30 डेज एग्जामिन द ऑल प्रोटेक्टिव मेजर्स टेकन अंडर रेगुलेशन 149 टू नो द इफिकेसी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्टिव मेजर्स वेदर दे आर इन यूज आर नॉट। ओके, वंस इन एवरी 30 डेज ड्यूरिंग द अदर पीरियड्स ऑफ द ईयर एंड वंस इन 14 डेज 14 दिन 14 ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ये बोला। ठीक, 153 का एक्सटर्नल वेंटिलेशन ना, उसका सब रेगुलेशन 2, ये 2 लिखा बेटा वहां दिख रहा है कि नहीं, ये जब दिख रहा होगा 2, उसका क्लॉज ई क्या बोलता है, टेम्परेचर, अभी जो आप लोगों ने अंडरग्राउंड एनवायरमेंट एंड वेंटिलेशन वाला मेरा वीडियो देखा होंगे, बहुत बढ़िया हम कोशिश किए बताने का, वहां पर भी 153 को बताया, ऑब्जेक्टिव ऑफ वेंटिलेशन भी बताया, क्यों वेंटिलेशन करते हैं उसके बहुत सारे चीजों को समझाते हुए बताया, उसको भी देखिएगा। और 153 सीमर प्लेलिस्ट में पहला वीडियो है। 153 का 2 का ई क्या बोलता है, सब रेगुलेशन 2 का क्लॉज ई क्या बोलता है, क्या बोलता है, टेम्परेचर रीडिंग्स एंड एयर सैंपल्स एंड टेम्परेचर रीडिंग शैल बी टेकन वंस इन एवरी 30 डेज। टेम्परेचर रीडिंग और एयर सैंपल कम से कम 30 दिन में एक बार लेना है। ठीक है, 156(8) इसको ये रेगुलेशन के प्लेलिस्ट, सीएमआर के प्लेलिस्ट में जाएगा, 156 को हम बहुत बढ़िया समझाया है। ठीक है,
उसका सबरोसन आर्ट क्या बोलता है कि हर ऐसी माइन जहां पर मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज होता है, इन एवरी माइन वेयर मैकेनिकल वेंटिलेटर इन यूज द क्वांटिटी ऑफ एयर शैल बी मेजर्ड वंस इन एवरी 14 डेज बट इन नॉन फायरी सीम 8° 1 गैसी माइन इट इज सफिशियंट टू टेक द एयर मेजरमेंट वंस इन एवरी 30 डेज। तो हमारा तो यहां 30 डेज वाला चल रहा है, वो 14 दिन वाला भी साथ के साथ बता दिया क्योंकि एग्जाम में तीसरे दिन वाला आएगा, ऐसा नहीं ना है। तो क्या बोला, अब यहां पे कंफ्यूज आ जाएगा बच्चा। यदि आपको सिंपली क्वेश्चन आ गया कि एयर क्वांटिटी का मेजरमेंट कितने दिन में करना है, तो आप आंख बंद करके 14 दिन लिखना। लेकिन यदि क्वेश्चन में दे दिया कि नॉन फायरी सीम है या °1 गैसी माइन है, उसमें कितने दिन में एयर क्वांटिटी मेजरमेंट करेंगे, तो ना 30 दिन लिखना है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि फायरी सीम है °2 है °3 है तो उसमें 14 दिन में एक बार, नॉन फायरी सीम है °1 गैसी माइन है तो उसमें 30 दिन में एक बार। क्लियर हुआ, °2 °3 फायरी सीम में 14 दिन में एक बार, नॉन फायरी सीम °1 में 30 दिन में एक बार, कोई दिक्कत है? हाँ, चलिए 156 का ये सबरेगुलेशन आर्ट था, कहां कहां लेते एयर मेजरमेंट के 156 के रेगुलेशन को हम समझाएं बड़े प्यार से, वहां जाके देखेंगे तो वीडियो का लंबाई बढ़ जाएगा। 169 टू को पार्ट 64 में बहुत बेहतर ढंग से हम समझाए हैं सीआईएल रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में, पार्ट 64 में, ठीक है। 63 में होगा, 63 में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है, इसको सीएमआर के प्लेलिस्ट में बताया है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो 63 में बताया है उसमें बहुत बढ़िया समझा, वहां पीडीएफ भी डाल दिया था 169 का। तो 169 का सबरेगुलेशन 2 क्या बोलता है, 169 का नाम क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इनपोर गैस एंड ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन को डिटरमाइन करना है और परसेंटेज ऑफ इनपोर गैस को डिटरमाइन करना है। परसेंटेज ऑफ इनपोर गैस कैसे डिटरमाइन करते हैं 169 में बहुत कुछ चर्चा हुआ, सिर्फ अभी हम देखेंगे 169(2) मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन के बारे में सब रेगुलेशन 2 है, 169 का सब रेगुलेशन 2 है। क्या बोलता है वो कि जहां पर रीजनल इंस्पेक्टर ने आदेश दिया है वहां पर ओनर एजेंट या मैनेजर जो है हर 30 दिन में एक बार टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन का पता करेंगे, एग्जामिन करेंगे, ठीक है। इतना ही लिखा 169(2) में, नेक्स्ट लिखते हैं बाबू रेगुलेशन 220 सब रेगुलेशन 1 नोटिस ऑफ कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट, चालू करना, स्टार्ट करना, प्रारंभ करना। नोटिस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिथेन, मिथेन कोल सिम से या कोल बेरिंग स्टार्टर से या अबंडेंट कोल माइन से जब हम मिथेन का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो ऐसे नहीं करेंगे, इसके पहले हमको एक्सप्लोरेशन करना होता है और एक्सप्लोरेशन करने के लिए हमको 6 महीना पहले नोटिस देना होता है। एक्सप्लोरेशन का अलग है बेटा, ये अलग है। एक्सप्लोरेशन के लिए कितना दिन पहले नोटिस देता है, कहीं ऑब्जेक्टिव है याद करना, नॉट लेस देन 6 मंथ बिफोर द स्टार्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन। मिथेन है कि नहीं है, कितना क्वांटिटी में है, इसका एक्सप्लोरेशन करना है, जांच पड़ताल करना है, तो उसके लिए कितना दिन पहले नोटिस देते हैं एक्सप्लोरेशन मिथेन का करना है, कोई कोल सिंक से या कोल बेरिंग स्ट्रटा से या कोई अबंडेंट कोल माइन से मिथेन का एक्सट्रैक्शन करना है, उसके लिए पहले क्या करना होगा, एक्सप्लोरेशन। तो एक्सप्लोरेशन कितना दिन करना है, तो उसका नोटिस चीफ इंस्पेक्टर माइंस और रिजर्व इंस्पेक्टर माइंस को कितना दिन पहले देते, नॉट लेस देन 6 मंथ बिफोर, 6 महीना, कम से कम 6 महीना का नोटिस देते हैं, तब आप काम स्टार्ट वहां कर सकते हैं। लेकिन ये दूसरा चीज है, ये नोटिस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ मिथेन। अब आपने एक्सप्लोरेशन कर लिया, सब कर लिया, आपको हरी झंडी मिल गई, तो आपको क्या करना है, मिथेन का एक्सट्रैक्शन करना, मिथेन गैस का एक्सट्रैक्शन कर शुरू करना है, तो कम से कम 30 दिन पहले मिथेन एक्सट्रैक्शन करने के, चालू करने के कम से कम 30 दिन पहले, नॉट लेस देन 30 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब मिथेन एक्सट्रैक्शन करने के नॉट लेस देन 30 डेज प्रायर मतलब बिफोर, आपको क्या करना है, नोटिस देना है। किसको नोटिस, कौन नोटिस देगा, नोटिस गिवन बाय ओनर एजेंट एंड मैनेजर, या आर्ट मैनेजर नहीं है, ओनर एजेंट एंड मैनेजर देगा। किसको देगा,
चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, ठीक है। तो एक्सप्लोरेशन के लिए जो नोटिस देते हैं वो 6 महीना पहले देते हैं, नॉट लेस देन 6 मंथ बिफोर। और ये नोटिस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन कितना दिन पहले देते हैं, नॉट लेस देन 30 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन गिवन बाय ओनर एजेंट और मैनेजर टू CIM एंड RIM। इतना ही ना है बेटा, दोनों में कंफ्यूज आएगा मन अरे फिर गड़बड़ाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, इतना हम देख रहे पसीना, कम से कम इसका फायदा उठाइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है।